यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में माफिया तीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी साहिस्ता सहित बेटों पर FIR। विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई, पत्नी व बेटों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर अतीक अहमद व अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए। उमेश पाल हत्याकांड में घटना के कुछ देर बाद ही अतीक अहमद के दो बेटों को पुलिस ने उठा लिया। इसके अलावा उनके दो दोस्तों और तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पुलिस ने साइस्ता परवीन से भी पूछताछ किया। गौरतलब है कि चर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम स्वचालित हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी सुरक्षा में लगे गनर संदीप निषाद की भी मौत हो गई, जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की हालत नाजुक है। उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी मां शांति पाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। विधानसभा में मुख्यमंत्री के सख्त कदम उठाने के बयान पर शांति पाल ने कहा, मुख्यमंत्री जी जो भी कहें, लेकिन हमारा बेटा तो चला गया। वही विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ तिखी बहस में योगी जी ने कहा, बदमाशों को हम मिट्टी में मिला देंगे। इसमें आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।